जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्टोर में ऑलमोस्ट 50+ चिमनीज का डिस्प्ले है, तो मुझे गर्व है कि हाँ चिमनी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ड्राई आयन और लाइट वेट आयन भी बोलते हैं, आप उसको उठाएंगे ना हाथ में तो वजन भी कम है। ये आपको आ जाएगी 450 रुपीज की। 450 बहुत बढ़िया है। इसमें ये देखिए वापस पाम सेंसर दिया है। वाओ, ये वाली टेक्नोलॉजी मुझे काफी अच्छी लगी। वगैरह ज्यादा लगते हैं। इसमें आपको वॉल फैन भी है, इसमें आपको टेबल फैन भी मिलेगा अगर आपको टेबल पे रख के यूज करना है तो। ये ब्रास नोजल बोलते हैं, ये कैफ का मॉडल है, इसमें मेटल के नॉब्स दिए हुए हैं। भी आपको सब ब्रांड्स मिलेंगे, यूरेका फोर्ब्स मिलेगा, हैवल्स मिलेगा, ब्लू स्टार है, अपना एक्वा गार्ड है, कैंट है, अल्फा है, सब ब्रांड्स मिलेंगे। गीजर में जो वेराइटीज आती है वो 1 लीटर आती है, 3 लीटर आती है, फिर 6 लीटर है, 10 लीटर है, 25 लीटर है, अप टू 100 लीटर्स के आते हैं। दूसरा जो वेरिएंट आता है मैडम, जो नीचे है ना फ्रिज दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर है, मिनी फ्रिज बोल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मतलब क्रिसमस आया तो अभी पता है सबको कि केक बनाना है, कुकीज बनाना है, बिस्किट्स बनाने हैं, तो वो हिसाब से हमारे पास OTGs है। OTGs आपको अलग अलग साइजेस में आती है, जैसे सब लगे हुए ना ये सब बिल्ट इन हॉब्स है, जितने भी देख सकते हो आप। ये 3 बर्नर है, ये कुचीना का है, ये डिस्प्ले में लगा है, हाथ में लेके देख लीजिए। ये जापान का है, 400 वॉट्स का है, काफी स्टाइलिश भी है, लुक वगैरह अच्छा दिया है। सबसे हॉट फेवरेट जो चल रहा है वॉफल बराबर, बच्चों को तो बोलो तो रोज वॉफल खाने को चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हे मुंबई। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए ज्योति किचन स्टूडियो जो है थाने में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट आउटलेट है जहाँ पे आपको होम एंड किचन अप्लायंसेस की बहुत सारी वैरायटीज देखने मिलने वाली है। तो मिलते हैं यहाँ के ओनर से और जानते हैं ज्योति किचन स्टूडियो के बारे में। हेलो एवरीवन एंड थैंक्स हे मुंबई फॉर वेलकमिंग टू माय स्टोर एंड गिविंग मी अ चांस टू एक्सप्लोर माय स्टोर। ओके, मेरा नाम है हितेश जैन और मैं बाय क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और MBA किया हुआ फाइनेंस में। और अभी ये स्टोर मैं लास्ट 4 इयर्स से रन कर रहा हूँ, बट ये हमारा फैमिली बिजनेस है, 10 इयर्स से ये चल रहा है बिजनेस। और हमारे ऑलमोस्ट 4 इयर्स में थाने स्टोर में 4000+ सैटिस्फाइड कस्टमर्स रह चुके हैं। वाओ, और हमारा अभी नेक्स्ट ये है टारगेट के आने वाले 2 साल में और 10,000 कस्टमर्स ऐड हो जाए। और हमारे पास आपको ऑलमोस्ट तो 30+ ब्रांड्स मिलेंगे। और हमारा जो मेन मोटिव है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो आइए, लेट्स मूव ऑन टू लुक एट माय स्टोर। वेलकम। तो हमें सबसे पहले आप क्या दिखाने वाले हो ज्योति किचन स्टूडियो में? आज ये मैम, जैसे कि हम आपको फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वाटर हीटर से। ओके, जैसे कि पता है आपको कि आजकल कोरोना चल रहा है तो घर पे जाते हैं तो मम्मी पहले बोलती है हाथ धो के आ, नहा के आ। तो जैसे ही अपन बाथरूम में जाते हैं तो फर्स्ट अपने को लगता है गर्म पानी चाहिए, तो गर्म पानी, तो गर्म पानी के लिए वाटर हीटर्स, ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं गीजर्स। तो गीजर में जो वैरायटीज आती है वो 1 लीटर आती है, 3 लीटर आती है, फिर 6 लीटर है, 10 लीटर है, 25 लीटर है, अप टू 100 लीटर्स के आते हैं। 1 लीटर की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 1500 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, और 3 लीटर्स का जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है वो आपका 2500 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। और इसमें आपको सब ब्रांड्स मिलेंगे, रिकॉर्ड है, बजाज है, एओस्मिथ है, केटको है, फेरोली है, हैवल्स है, ऑलमोस्ट जो मार्केट लीडर्स है वो सब ब्रांड्स आपके पास मिलेंगे। ओके, और हमें इस पे वारंटी गारंटी कुछ मिलती है? वारंटी मैम कैसा है कि प्रोडक्ट पे कोई भी आप ब्रांड लेते हो तो 2 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी आती है और 5 ईयर इसके इनर जो टैंक होता है उसकी 5 ईयर वारंटी। वाओ, गुड। अभी जो मार्केट में जो लेटेस्ट आया है, मतलब लास्ट 1 साल से जो चल रहा है, वो ये गीजर है जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन गीजर। ऑनलाइन गीजर ये है कि ये है ना, अपना पानी में अगर फुल प्रेशर रहेगा ना तो ही वो चलेगा। ऑनलाइन गीजर्स बेसिकली कहाँ पर यूज होते हैं? जहाँ पर शावर पैनल्स है, बड़े बड़े बाथटब्स है, तो उसके लिए अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। मतलब 5.7 किलोवाट आता है, 7.5 किलोवाट आता है, 9 किलोवाट आता है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से वो चलता है। तो इसकी जो प्राइसिंग रेंज स्टार्ट होती है वो 4000 ऑनवर्ड्स है। इसमें आपको 2-3 ब्रांड्स ही है, फेरोली है, रिकॉर्ड है और केटको है। नेक्स्ट हम बता गए आपको डिस्पेंसर है। डिस्पेंसर जो कि ये इसमें 2 वेरिएंट्स है, ये जो यूज़ होता है 90% यूजेज इसका ऑफिसेज में होता है, स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है। ये क्या है, इसमें आपको हॉट, नॉर्मल और कोल्ड 3 टाइप के वाटर मिलेंगे आपको। और इसका जो ऊपर आता है एक बिस्लरी का अपन कैन डालना पड़ता है, वो आपको रिप्लेस करना पड़ता है।
इसमें ये चाइल्ड लॉक दिया हुआ है। ये चाइल्ड लॉक क्यों दिया है, क्योंकि कोई भी आएगा अचानक से और डायरेक्ट प्रेस करेगा तो वो ऑन नहीं होगा, इसलिए उसको रोटेट करके प्रेस करना पड़ता है, तो ही वो गर्म पानी आता है। बहुत अच्छा फीचर है इसमें। इसमें दो वेरिएंट आ रहे हैं, एक आएगा आपको टेबल के ऊपर रखना है जिसे हम टेबल टॉप कहते हैं, और दूसरा जो वेरियंट आता है मैडम जो नीचे है ना फ्रिज दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर है, मिनी फ्रिज बोल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जूसेस रख सकते हैं, बॉटल्स रख सकते हैं, अमूल कूल जो भी आपको कस्टमर को सर्व करना है वो हिसाब से आप रख सकते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है, जो हमारे व्यूअर्स है ठीक है, जो अगर किसी को परचेस करना रहेगा तो आप कुछ डिलीवरी सर्विस है आपके यहाँ पे? डिलीवरी मैडम हो जाएगी सब जगह, बट अगर इन अगर मेरे एरिया का होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा, बट अगर फार अवे होगा तो जो भी होगा डिलीवरी चार्जेस होगा। ओके हाँ, तो बताइए इसकी प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट होती है? इसकी प्राइस रेंज मैडम कैसे, अगर आप ये टेबल टॉप लेते हैं ना तो इसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 5,500 ऑनवर्ड्स, और अगर आप विद रेफ्रिजरेटर जाते हो तो वो 7,500 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, तो मैं इनसे पूछूंगी हमारे लिए क्या है यहाँ पे, कुछ ऑफर्स वगैरह है, वैरायटीज है? बहुत सारे है, क्रिसमस है मतलब क्रिसमस आया तो अभी पता है सबको कि केक बनाना है, कुकीज बनाना है, बिस्किट्स बनाने हैं, तो वो हिसाब से हमारे पास OTGs है। OTGs आपको अलग अलग साइजेस में आती है, जैसे कि ये लगा हुआ है ये 17 लीटर का OTG है, विथ आपको ये टाइमर आएगा, आप टाइम सेट कर सकते हो, टेम्परेचर सेट कर सकते हो। ओके 17 लीटर के बाद आता है साइज 23 लीटर आता है, फिर आता है 30 लीटर आता है, इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं। Okay, और भी ब्रांड्स देखने मिल जाएंगे ना आपको, बजाज का मिलेगा, मॉफी रिचर्ड्स का मिलेगा, फिलिप्स का मिलेगा, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। और जो कैपेसिटी जो है वो 17 लीटर ऑनवर्ड्स 60 लीटर तक आपको कैपेसिटी मिलेगा, और जो 17 लीटर की जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 3000 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। 3000 जैसे आप लेते हो, अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी 23 लीटर है, 35 लीटर है, 36 लीटर है, तो आपका वो कॉस्ट भी बढ़ जाता है, वो लगभग 4000 5000, 52 लीटर तक जाते हैं तो ऑलमोस्ट 10,000 के रेंज में भी जाता है प्रोडक्ट। और अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है तो आप देख सकते हो कि हम OTG के साथ एक सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं सभी को। ओके तो क्या हमें मतलब हर परचेसिंग के साथ सरप्राइज गिफ्ट रहेगा? हर कोई भी हमारे परचेस पे है ना आपको हमारे शॉप में गिफ्ट मिलेगा। ये क्रिसमस ऑफर है पर ये हम अभी 31 दिसंबर तक चलाने वाले हैं, ईयर एंड 2020 तक। ओके अभी मैंने आपको OTG तो बता दिया, इसमें आप खाली कुकिंग बेकिंग वगैरह कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है हमारा ये कन्वेक्शन मोड वाला माइक्रोवेव। ओके अभी कन्वेक्शन मोड अगर मैंने बोला तो इसमें क्या होगा कि आप दोनों काम होएगा, आपका OTG भी हो गया और सोलो भी हो गया। मतलब सोलो जो माइक्रोवेव होता है उसमें सिर्फ अपन खाना गरम कर सकते हैं, और OTG में अपन केक, नान कटाई, बिस्किट वगैरह बना सकते हैं। ये आपका 2-in-1 है, ये आप दोनों काम होगा आपके। अभी इसमें भी कैविटी अलग अलग आती है, अभी इसमें ये 21 लीटर का डिस्प्ले में लगा हुआ है, आपको 23 लीटर चाहिए 23 मिलेगा, 27 चाहिए 27 मिलेगा, 32 मिलेगा, और ये जो भी आएगा ना सब डिजिटल ही आएगा, डिजिटल विद टेम्परेचर कंट्रोलर आएगा। सकते हो यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी आपको एक ही छत के नीचे देखने मिलने वाली है। मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग कितने से स्टार्ट होगी? कन्वेक्शन मोड अगर मैडम जाते हैं तो कन्वेक्शन मोड अपना 8000 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, फिर वैसे ही है कि आपका साइज क्या चाहिए आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है। नया कॉन्सेप्ट जो आया है लास्ट 2-3 ईयर से तो बिल्ट इन कॉन्सेप्ट आया है, जो आपको कंसील करके रखना पड़ता है, तो बिल्ट इन ओवन भी आता है, बिल्ट इन माइक्रोवेव भी आता है। आइए मैं आपको दोनों लाइव डिस्प्ले बता देता हूँ। ओके दिखा दीजिए हमें। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्ट इन माइक्रोवेव है, ये आप देखोगे तो ये पूरा डिजिटल है। अभी ये जो कैपेसिटी है ना ये 32 लीटर का कैपेसिटी है, इसमें आपको कम चाहिए ना तो 28 लीटर का भी आता है, बड़ा चाहिए तो 44 लीटर का भी आता है। ये कन्वेक्शन मॉडल है, जैसे अपन ने आपको बताया लास्ट में कन्वेक्शन मॉडल वो टाइप का है। ये आप देख सकते हैं कि कंसील किया हुआ है, आपको सिर्फ खाली ये जो कॉर्नर की है ना बॉर्डर दिखेगी आप जब भी आप कंसील करोगे, ये जो भी करना रहता है ना तो ये बेसिकली अपने को स्टार्ट में ही करना पड़ता है जब अपन घर का काम वगैरह करवा रहे, क्योंकि ये एग्जैक्टली साइज के हिसाब से करवाना पड़ता है। ये माइक्रोवेव हो गया। अभी ये देख सकते हैं ये OTG है, ओवन टोस्टर ग्रिलर, ये आपका नॉब्स के साथ आया है, इसमें आपको फेदर टच चाहिए तो फेदर टच भी मिलेगा। ये जो मेरे पास अभी डिस्प्ले में लगा हुआ है वो 65 लीटर का है, जैसे कि आप देख सकते हो कैपेसिटी। वाओ गाइस देख सकते हो। अभी ये 65 लीटर है, इसमें आपको 73 लीटर चाहिए 73 आएगा, 80 लीटर चाहिए 80 लीटर आएगा। सेकेंडली इसमें बड़ी बात क्या है कि इसमें ना ये लोग अपने को रोटेसरी रॉड देते हैं, ये जो रोटेसरी रॉड है ना मीन्स अभी
ऑलमोस्ट नॉनवेज वगैरह कोई खाता है या पनीर टिक्का वगैरह बनाना है तो ये रोटेसरी रॉड में आपका यूज़ होता है। अभी प्राइसिंग रेंज में आता हूँ मैं, तो माइक्रोवेव जो होता है बिल्ट इन माइक्रोवेव की स्टार्ट होती है 25,000 ऑनवर्ड्स, और बिल्ट इन ओवन भी लेते हो तो 25,000 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। इसमें भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे, जो मार्केट के जो लीडर्स है वो फेबर है, कैफ है, एलिका है, ग्लेन है, ऑक्सीजन है, हिंदवेयर है, ये टॉप ब्रांड्स है। अभी हम आगे चलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम फेमस है चिमनीज के लिए, बराबर। तो चिमनी जैसे मेरे माइंड में आता है ना तो बहुत खुशी होती है मेरे में कि हाँ चिमनी, चिमनी का तो मैं बादशाह उठाना गया। मतलब आपके पास जितनी वैरायटी मिलेगी कोई और स्टोर पे देखने नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्टोर में ऑलमोस्ट 50+ चिमनीज का डिस्प्ले है, तो मुझे गर्व है कि हाँ चिमनी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी चिमनी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मजा आएगा देखना। अभी चिमनी के जो वेरियंट आते हैं ना वो तीन चार वेरियंट आते हैं, चार वेरियंट में ये है आपका लगा हुआ, ये ट्रेडिशनल वेरियंट है। उसके बाद में आया था डेकोरेटिव वेरियंट, उसके बाद में आया ये स्टूडियो वेरिएंट आया, और स्टूडियो वेरिएंट आया, और फिर ये आइलैंड वेरिएंट। आइलैंड वेरिएंट मतलब अपना अगर सेंटर किचन है, बड़ा जो किचन होता है कि सेंटर में अपना हॉब लगेगा तो ही ये चिमनी लगती है। और ये चिमनी जब लगेगी ना तो ये इसका जो हुड है वो पूरा सीलिंग में लगता है। इसके ये चिमनी अगर किसी के घर में भी लगानी है तो पहले साइट विजिट करनी पड़ती है, वो कंपलसरी है। और इसका जो तो मतलब आपके कंपनी से थ्रू आते हैं और वहाँ पे लगा देते हैं, ये अगर कोई परचेस कर लेता है आपके यहाँ से तो इंस्टॉलेशन कंपनी से ही होता है, उसका जो भी चार्जेस रहता है। अगर आप नॉर्मल चिमनी लेते हो तो कुछ 500 रुपीज चार्ज है, बाकी आईलैंड चिमनी वगैरह का 1,000 रुपीज चार्ज है। और ये कोई भी चिमनी है ना, अभी समझो ये आईलैंड चिमनी आपको लगानी है, इसका जो पाइप निकलेगा ना वो आपका पीओपी के थ्रू ही निकलेगा। तो ये कोई भी चिमनी अगर लगानी है तो ये आपका पहले आपको साइड विजिट करानी है, आपका पाइपिंग वगैरह पूरा पीओपी से जाएगा, बराबर। ये मैंने आपको आइलैंड चिमनी बता दी, पर अभी मैं आपको ट्रेडिशनल चिमनी से स्टार्ट करता हूँ, बराबर। तो इसकी रेंज क्या बताया आपने ट्रेडिशनल वाले की, स्टार्टिंग क्या रेंज होती है? ट्रेडिशनल चिमनी की जो रेंज स्टार्ट होती है ना मैडम, 4000 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। 4000 ऑनवर्ड। अभी इसमें मैं आपको अलग अलग वेरियंट्स बताता हूँ, जैसे की हिंदवेयर की लगी हुई है, एलिका की लगी हुई है, ऑक्सीजन की लगी हुई है, कुचिना की लगी हुई है, फेबर की लगी हुई है। अभी ये चिमनी में अलग क्या है, इसमें क्या होता है कि एक जो चिमनी आती है उसमें मैश फिल्टर आते हैं। अच्छा। मैश फिल्टर जो होते हैं वो आपको कैफ में मिलेगा और हिंदवेयर में मिलेगा ट्रेडिशनल मॉडल्स में। और दूसरे जो होते हैं ना वो बैफल फिल्टर्स होते हैं, ये बैफल फिल्टर्स है, ये प्योर स्टील के फिल्टर्स है। अभी मैश फिल्टर जो होते हैं वो एक्चुअली क्लीनिंग करने में थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है, तो इसलिए हम कस्टमर्स को ज़्यादा इतना रेकमेंड नहीं करते। ये जो है ये स्टील फिल्टर है, ये कम्प्लीटली स्टील का है और इजी टू क्लीन है, इसकी लाइफ भी अच्छी है। इसको आपको क्या करना है पता है, सिर्फ हॉट वाटर करना है, साबुन वगैरह डालना है, बाल्टी में डाल दीजिए, हाफ एन आवर के लिए छोड़ दीजिए, जितना भी तेल रहेगा वो निकल जाएगा और फिर उसको धो के लगा दीजिए। अभी इसमें जो है इसमें मेन चिमनी जो है उस सक्शन के ऊपर चलती है कि आपको कितना सक्शन लगेगा, बराबर। तो सक्शन पावर है 400 है, 670 है, 700 है, 700 है, अभी ये जो है वो 1100 सक्शन है। अभी 1100 सक्शन है, अभी ये ऑक्सीजन ब्रांड की चिमनी है। अभी जितनी भी चिमनी लगी हुई है ना तो आपको मैं एक इसकी खासियत बताता हूँ कि ये जो ब्लैक है ना वो ब्लैक स्टील है। अच्छा। आप कोई भी ब्रांड की चिमनी लोगे ना वो ब्लैक कोटिंग आती है, मतलब पाउडर कोटेड है, बराबर बराबर। अगर आप स्टील भी लेते हो ना तो स्टील में भी मिक्स होता है। और ये जो है ये प्योर स्टील है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और इसके जो फिल्टर्स भी आएंगे ना मैडम वो भी प्योर स्टील के फिल्टर्स है, मतलब आपको कभी लाइफ में रस्ट नहीं होएगा। सही है, बहुत सही है। और सेकेंडली थोड़ी सी कॉस्टली है पर कैसा है, वारंटी वाइज भी बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट वारंटी मिलेगा हमें, प्रोडक्ट की वारंटी कंपनी दे रही है 12 इयर्स आपको, मोटर की 12 इयर्स वारंटी है और ओवरऑल प्रोडक्ट की 1 ईयर वारंटी है। अभी ये कॉन्सेप्ट हुआ ना तो इसमें और एक कॉन्सेप्ट आया है, उस जिसे हम बोलते हैं फिल्टरलेस। फिल्टरलेस मतलब जैसे देख सकते हो कि नीचे कोई भी फिल्टर नहीं है, बराबर। तो इसमें क्या होता है, एक ऑटो क्लीन का बटन देते हैं, वो आपको 3 महीने में एक बार प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे मोटर 15 मिनट्स के लिए ऑन होती है, जितना भी तेल होता है ना वो नीचे ऐसे कटोरी में आ जाता है, ऑयल कलेक्टर में। ये इसमें से आपको तेल निकाल के वॉश करके वापस लगा देना है। ये भी वही है ना? हाँ।
अभी ट्रेडिशनल तो हो गया, अभी अपन आगे चलते हैं डेकोरेटिव मॉडल्स पे। तो अभी डेकोरेटिव मॉडल्स में स्ट्रेट ग्लास आता है, कर्व ग्लास आता है, वापस वही वेरिएंट है। इसमें भी मैश फिल्टर आएगा, बैफल फिल्टर आएगा और फिल्टरलेस आएगा। तीन टेक्नोलॉजीज की ही चिमनी है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टील फिनिश मिलेगी, ये स्टील फिनिश है, जो ब्लू लगा हुआ है ना वो फ्लेम लैप सिर्फ, ये आपकी फुल स्टील फिनिश आएगी, ये भी फुल स्टील फिनिश है, फिर ये ब्लैक फिनिश है। अभी जैसे आप देख सकते हो ये पुश बटन है, ठीक है, और ये है अपना टच स्क्रीन है। अभी इसमें ये फेबर की है, अभी ये मैं आपको ऑन करके बता रहा हूँ चिमनी। अभी ये जो चिमनी है ना, जितनी चिमनी शॉप में लगी हुई है ना, सबसे कम नॉइज लेवल इसका है। अच्छा, इसमें आवाज कम आती है। यस, आवाज बहुत कम है ये चिमनी की। और ये 3D चिमनी है, मतलब साइड से भी सक करेगा। ओ वाओ, साइड वे, साइड वे भी सक। अभी नेक्स्ट मैंने ये फिल्टर वाला आपको बता दिया, मैं आपको अभी ये एक देखो, एक नई चीज आई है, ये फिल्टरलेस चिमनी है। मतलब आप देख सकते हो इसमें कोई भी प्रकार का फिल्टर नहीं है नीचे इसमें। और एक एडिशनल फीचर क्या दिया हुआ है पता है? ये पाम सेंसर दिया हुआ है, मतलब आपको टच करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ये भी बहुत बढ़िया है टेक्नोलॉजी। अभी ये ऑटो क्लीन का बटन दिया हुआ है, ये आप अगर एक बार प्रेस करोगे ना तो चिमनी ऑटोमेटिक, अंदर हीटर दिया हुआ है, वो हीटर ऑन होता है 15 मिनट्स के लिए, जितना भी तेल होगा ना वो इसमें नीचे आ जाएगा, इसमें तेल आ जाएगा, ड्रॉप आउट करके वॉश करके वापस लगा दीजिए एकदम ईजीली। इसमें भी क्या होता है, सक्शन पावर होता है, मतलब इसमें सक्शन पावर 900 से स्टार्ट होता है, 1500 तक आता है। सक्शन पावर हम लोग कब डिसाइड करते हैं कि आपका डक्टिंग जब आप कर रहे हो तो वो कितना दूर जाएगा, वो हिसाब से हम सक्शन कैलकुलेट करके और आपको बता देंगे आपको कितना सक्शन का चिमनी लगेगा। नेक्स्ट अभी फिर ये, और ये भी है टच स्क्रीन है, आपको मैंने जो बताया था। कौन से ब्रांड अवेलेबल है आपके पास इसमें? मेरे पास आपको मिलेगा फेबर है, कैफ है, हिंदवेयर है, एलिका है, ऑक्सीजन है, हिंदवेयर है। ब्रांड्स तो बहुत सारे आते हैं, पर कैसा है कि ब्रांड्स बहुत सारे आते हैं पर कैसा है कि जो टॉप के मार्केट लीडर्स के जो ब्रांड है 6-7 वो हमारे पास सब मिलेंगे। और इसकी जो प्राइस रेंज जो स्टार्ट होती है ना वो 8000 से स्टार्ट होती है, फिर आपको जैसा एक्सपेंस करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, 25-30,000 तक वेरी करता है वो। और सब में वारंटी रहेगी ना? हाँ, सब में मतलब ऐसा है, ओवरऑल हर प्रोडक्ट की 1 ईयर की वारंटी है। बट जो मोटर जो होती है ना उसकी हर ब्रांड की और हर प्रोडक्ट की अलग अलग वारंटी है। कोई 5 ईयर देता है, कोई 7 ईयर देता है, कोई 9 ईयर देता है, कोई 12 ईयर भी देता है। जैसे कि मैंने आपको ऑक्सीजन ब्रांड का बताया था, ये जो 12 ईयर वारंटी देता है मोटर। बहुत बढ़िया है। अभी ये अपना हो गया डेकोरेटिव वेरिएंट हो गया, अभी मैं आपको स्टूडियो रेंज में लेके जाऊंगा, स्टूडियो सीरीज। स्टूडियो सीरीज अभी ये जैसी लगी हुई है ना वैसे ही लगती है। ओके, मतलब डिटू ऐसी ही रहेगी। अभी एक चीज क्या होती है पता है, कस्टमर एंटर करता है ना तो कोई आया तो बोलता है ये क्या टीवी ये क्या है क्या? बराबर, ये कुछ अलग तो एक्चुअली किसी को लगता है ये टीवी ही लग रहा है, बट एक्चुअल में टीवी नहीं है, ये चिमनी है। और ये वेरिएंट लास्ट 2-3 ईयर्स से आ रहे, ये जैसी लगी है वर्टिकल वैसे ही लगेगी। सब चिमनी जितनी भी मैंने बताई पहले, डेकोरेटिव और स्टूडियो, ये डेकोरेटिव और ट्रेडिशनल, वो है ना अपने प्लेटफॉर्म से 30 इंचेस पे लगती है। ओके, बट ये जो चिमनी है ना वो अपने प्लेटफॉर्म से 24 इंचेस पे ही लगेगी। अच्छा अच्छा। अभी इसमें ऐसे ऐसे वेरिएंट्स है कि अभी इसमें अंदर फिल्टर दिया हुआ है, ये मैश फिल्टर है, ठीक है। अच्छा, ये आपका खुद का ब्रांड है ना? हाँ, ऑक्सीजन हमारा खुद का ब्रांड है, मींस ज्योति का कोलैबोरेशन है। अभी ये चिमनी देखोगे ना आप तो इसमें बैफल फिल्टर है अलग अलग, मतलब ये जो बैफल फिल्टर है ना वो खाली आपको ग्लेन में और इनवेयर में मिलेगा। और ये सब की प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट होती है? ये मैडम 10,000 ऑनवर्ड स्टार्ट है, फिर आप क्या लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 10,000 ऑनवर्ड्स रहे। अभी ये चिमनी जैसे मैंने आपको ऑन करके बताई तो ये कम्प्लीटली फिल्टरलेस चिमनी है। अच्छा। आप देख सकते हो कोई प्रकार का फिल्टर नहीं लगा हुआ है अंदर, जैसे मैंने आपको दूसरे में बताया मैश फिल्टर बैफल फिल्टर, ये कम्प्लीटली फिल्टरलेस चिमनी है। ओके, इसमें ये देखिए वापस पाम सेंसर दिया है। वाओ,
ये वाली टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें भी आपको LED लाइट्स आएगी, LED लाइट्स। अभी ये ऑटो क्लीन का बटन है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऑटो क्लीन मोड में चली जाएगी चिमनी ऑटोमेटिक ऑन होकर। अभी कैसे है कि चिमनी का तो हो गया, okay. अभी लेट्स मूव ऑन टू बिल्ट इन हॉब्स। ये सब लगे हुए ना, ये सब बिल्ट इन हॉब्स है, जितने भी देख सकते हो आप। ये 3 बर्नर है, ये कुचीना का है, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। फिर ये ऑक्सीजन का है, ये 4 बर्नर है। ये फिर एलिका का है, ये भी 4 बर्नर है। ये मैं आपको है ना इसका इन डिटेल बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। अभी फॉर एग्जांपल ये बर्नर है, तो ये बर्नर है ना, ये एल्यूमिनियम का बर्नर है और ऊपर जो है वो ब्रास है। अच्छा, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट जो चला आ रहा है इतने साल से, वो ऐसे ही बर्नर आ रहे हैं, यही बर्नर्स चल रहे हैं। बट अभी लास्ट 1.5 ईयर्स से कंपनी फुल ब्रास बर्नर कॉन्सेप्ट लेके आई है। फुल ब्रास, जैसे कि ये भी ब्रास है, ये भी ब्रास है, और ये नीचे का जो है ये भी ब्रास है। आपको फील करना है ना, तो इसको हाथ में लेके देखिए आपके, ये कितना हैवी है। रियली, और ये हाथ में लीजिए, जो हमारे घर पे वो तो बहुत ज्यादा हल्का है। ये आप सही में, मैं यहाँ पे हूँ, इसका वजन है, तो मतलब क्वालिटी मिलेगी आपको यहाँ पे। प्राइसिंग रेंज कैसा होता है कि अभी ये जो मैंने बताया कि जिसके नीचे के बेस के एल्यूमिनियम जो बनर्स आते हैं ना, उसका प्राइस रेंज में बोल सकता हूँ आपको कि लगभग वो 10,000 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। okay, 10,000 और अगर आप फुल ब्रास बर्नर कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, तो 15,000 ऑनवर्ड प्राइसिंग स्टार्ट होती है। okay. अभी इसमें रहेगी, हाँ, अभी एक कॉन्फ़िगरेशन सबको अलग अलग चाहिए। अभी ये आप देख सकते हो कि 2 मीडियम बर्नर्स है, 2 स्मॉल बर्नर्स है, राइट, ठीक है। अभी ये प्लस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जिसमें 1 मीडियम है और 3 छोटे दिए हुए बर्नर्स। ओके, अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन और प्लेसिंग अलग है, इसमें भी 1 मीडियम है, 3 छोटे है। मतलब आपको आपके हिसाब से सब मिलेगा कि आपको कैसा स्पेसिंग चाहिए, क्या साइज चाहिए। अभी ये अपन ने जो भी बताया ना, ये सब 24 इंचेस के थे, मतलब 60 सेंटीमीटर के हॉप्स थे। अभी मैं मूव ऑन करता हूँ, ये 70 सेंटीमीटर का हॉप, अगर आपको साइज बड़ी चाहिए तो। ओके, साइज बड़ी में भी आपको स्पेसिंग ऐसा चाहिए ऐसा मिलेगा। अभी ये जो है ना, ये बहुत ही लग्जरी सीरीज है कैफ की। ओके, अभी ये लग्जरी क्यों है, एक तो इसका जो ग्लास है वो 8mm का ग्लास है, ठीक है, और सेकेंडली इसमें क्या दिया है पता, ये आप देख सकते हो, ये जो बॉर्डर है ना ग्लास को है ना, पूरा स्टील बॉर्डर से कवर कर दिया। अच्छा, ये स्टील बॉर्डर है? यस। अच्छा, अभी ये चीज में क्या है, ये कास्ट आयरन पैन सपोर्ट है, और सेकेंडली जो है ना इसका, इसका जो भी बर्नर है ना, वो भी कम्प्लीटली ब्रास बर्नर है। और ये बर्नर तो आप हाथ में लोगे ना, आप हिल जाओगे, हाथ में लीजिए। ये हैवी है क्या बहुत? अरे वाव। अभी इसमें एक एडिशनल फीचर क्या दिया हुआ है पता है? ये देखिए मैडम, ये है ना FFD है। FFD क्या होता है, मतलब अपन कभी भी कुछ यूज कर रहे हैं, हवा से अगर गैस जब भी बंद हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली सप्लाई बंद कर देता है, मतलब स्मेल वगैरह नहीं आता। और सेकंड एडवांटेज ये है कि ये हॉब है ना, आपको 10 ईयर वारंटी दे रहा है ग्लास पे। 10 ईयर वारंटी, बहुत बढ़िया है, सही है, मैं भी जरूर लगाना चाहूंगी मेरे घर पे। हाँ, तो मतलब इसकी प्राइस रेंज क्या रहेगी? ये टाइप का जो भी मॉडल आता है ना मैडम, इसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 25,000 ऑनवर्ड्स। 25,000 onwards. भी मैं आपको ये अपन ने कंसील्ड हॉब्स देखे, अभी ये जितने भी हॉब्स है ना, ये अपन एज अ टेबल टॉप भी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई कोई सोचता है कि अगर मैं कंसील करूंगा तो पानी जाएगा, ये होगा, तो उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। अभी ये है, तो ये हॉब नहीं है। okay. ये कुकटॉप है। कुकटॉप है, हाँ, मतलब ये आप देख सकते हैं, एकदम स्लिमेस्ट पीस है एकदम, और नीचे है ना लेग्स दिया हुआ है इसको, मेकिंग अच्छी है इसकी काफी। मतलब बेसिकली आपको ये हॉप का ही लुक आ रहा है इसमें बराबर। तो इसका क्या रेंज रहेगा? ये आपको 15,000 ऑनवर्ड स्टार्ट है। 15,000, इसमें और भी मॉडल्स देखने मिलेंगे, जैसे ये 4 गेस्ट है, इसमें आपको 3 का भी मिल जाएगा। okay. ये एक बर्नर हट जाएगा और ऐसे सी शेप का मिल जाएगा आपको। वाह, बहुत बढ़िया है। और एक ये भी चीज है, अभी इसमें क्या है पता है, ये लोग अभी जो गैस स्टोव यूज करते हैं ना, तो कोई कोई बोलता है नहीं गैस स्टोव ही चाहिए मेरे को, पर कुछ अलग टाइप का, तो ये अलग टाइप का डिजाइन किया हुआ है। मतलब इसको नॉब्स ऊपर दे दिए। ओके, ये हॉब नहीं है पर इसके नॉब ऊपर दिए हुए।
अभी इसकी खासियत क्या है, इसका जो नीचे का जो है ना वो ये प्योरली ब्लैक कलर का स्टील है। नॉर्मली आपका अच्छा। जो आता है ना वो कोटेड आता है, ये ब्लैक कलर का स्टील है। और तो ये इसमें रस्ट वगैरह नहीं पकड़ता ना? प्योर स्टील है मैडम, नहीं पकड़ेगा। ओके, ये देख सकते हो 304 ब्लैक है और नॉन मैग्नेटिक है, अभी मैग्नेट नहीं पकड़ रहा है। और ये जो है ना, ये पैन सपोर्ट भी कास्ट आयरन पैन सपोर्ट है, रस्ट नहीं आएगा कभी भी। Okay. और इसमें एडिशनल आपको ये डीप ट्रे भी दिया हुआ, मतलब निकाल के क्लीनिंग कर सकते हो आप। इसमें भी आपको ये 3 बर्नर वेरिएंट है, इसमें 4 बर्नर चाहिए 4 बर्नर मिलेगा। ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, इसका क्या रहेगा? इसका जो 3 बर्नर का जो वेरिएंट है ना वो 9000 ऑनवर्ड स्टार्ट है, अगर 4 बर्नर में जाते हो तो 10000 ऑनवर्ड स्टार्ट है। ओके, बहुत बढ़िया है ये भी। अभी नॉर्मल जो रेगुलर चल रहा है गैस स्टोव, जिसका हाईएस्ट सेल बोल सकते हैं आज की तारीख में, आज के टाइम में ज्यादा लोग ये यूज़ करते हैं। गैस स्टोव की जो रेंज स्टार्ट होती है वो 800 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। ओके। और फिर आप जैसा लेते हो 800 से 8000 का भी आता है, 15000 का भी आता है। बराबर। इसमें आपको सिंगल बर्नर, डबल बर्नर, 3 बर्नर, 4 बर्नर, 5 बर्नर तक रेंज मिलेगा आपको। और इसमें आपको सब अलग अलग टाइप्स के है, मैं आपको सब डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरा शॉप विजिट करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। तो मैं आपको एक 6-7 प्रोडक्ट बता देता हूँ, उसमें आप क्या प्लस क्या माइनस वो सब बता देता आ जाएगी। बराबर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4 बर्नर वेरिएंट से। ये अपना फेबर का हॉब है, गैस स्टोव है सॉरी। तो ये आपको एक जंबो बर्नर है, 2 मीडियम है, 1 स्मॉल है। ये भी ब्रास बर्नर आएंगे पूरे, इसमें भी एडिशनल आपको ये दिया हुआ है जाली, एडिशनल जाली है, मतलब वो नीचे खराब ना हो क्लीनिंग करने के लिए, मतलब नीचे से कुछ जाएगा नहीं। okay. अभी इसकी जो मेन है ना, ये जो नीचे की बॉडी है ना वो भी पूरी स्टील की बॉडी है। अभी जैसे है ना, आप मेरा पूरा डिस्प्ले भी देखोगे ना तो 90% डिस्प्ले है ना आपको स्टील बॉडी का मिलेगा। राइट। अभी ब्लैक बॉडी हम लोग प्रिफर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होती है ना, अभी ये ब्लैक बॉडी है, बराबर ये ब्लैक बॉडी है, बट ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये लोखंड है, लोखंड के ऊपर है ना ये लोग कोटिंग करते हैं ब्लैक कलर का। okay. तो ये डाउन द लाइन जब अपन वॉश करेंगे ना इसको, तो वॉश करने के टाइम कोटिंग निकलती है, रस्टनेस होता है, बराबर, तो इसलिए ब्लैक बॉडी हम लोग प्रिफर नहीं करते। अभी 4 बर्नर की जो रेंज स्टार्ट होती है ना वो 4000 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। okay. और जैसा आप लेते हो लग्जरी पीस उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। अभी इसमें भी जो है तो ये भी ब्लैक कोटेड है, इसकी कोटिंग भी निकलती है, आप रस्ट करने होना ही है यूज करने के बाद। अभी जो नया वेरिएंट जो आया है ना वो एक ये वेरिएंट है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। ये जो ग्लास की थिकनेस है ना वो 10mm ग्लास है, 10mm रहेगा। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा नहीं हूँ, स्टिकर भी लगा हुआ है, 10mm टफन ग्लास है। इसकी ग्लास की 5 ईयर की वारंटी दे रहा है कंपनी, और 5 ईयर की बर्नर्स की भी वारंटी दे रहा है। सही है। और वापस से इसमें वो भी आएगी, एडिशनल प्लेट भी आएगी रिमूवेबल। क्या प्राइस में रहेगी ये मैडम? आपको आएगी 10000। अभी इसमें एक और एक फीचर जो है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है ना पीछे जो नोजल जो आता है ना, बराबर पीछे नोजल आता है वो भी ब्रास नोजल आएगा आपको। अरे और नॉर्मली जो आता है ना नोजल वो सादे नोजल आते हैं, ये ऐसे सादे नोजल आते हैं, पर में जो आएगा ना वो ब्रास नोजल आएगा, ये ब्रास नोजल बोलते हैं। ये कैफ का मॉडल है, इसमें मेटल के नॉब्स दिए हुए, मेटलिक नॉब्स। अभी ये ग्लास वेरिएंट हो गया। 4 बर्नर में आपको मैं स्टील वेरिएंट बता दूं। अभी स्टील वेरिएंट में ये स्पेस थोड़ी बड़ी है, जंबो साइज है। हाँ। आपको इसमें अगर कॉम्पैक्ट चाहिए ना तो कॉम्पैक्ट भी मिल जाएगा, ये कॉम्पैक्ट। बहुत बढ़िया। ये भी ये अभी समझो 4 बर्नर का मैंने आपको बता दिया। मैं आपको अभी 3 बर्नर में वेराइटीज बता दूं। 3 बर्नर में आपको पहले स्टील का बता देता हूँ। ओके। स्टील में आपको देखो सनफ्लेम का मिलेगा, ये सनशाइन का मिलेगा, इसमें भी आपको एक जंबो बर्नर, एक मीडियम बर्नर, एक स्मॉल बर्नर आएगा। ये ग्लेन का मिलेगा आपको, ये सनशाइन का मिलेगा। भी इसमें भी सब अलग अलग वेराइटीज आती है। ये जो बर्नर है ना, हाँ, ये 100% ब्रास बर्नर है। ओके। इसकी कंपनी 5 ईयर वारंटी देती है बर्नर की। इसमें भी आपको जो मैंने जितने भी 4 में बताए ना सब आपको 3 में मिलेगी।
ये मैंने आपको 4 बर्नर बताया था बराबर। ये देखो ये राउंड में भी है, ये राउंड में भी है। अभी जो बर्नर बर्नर में जो फ़र्क आता है ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये बर्नर है, ये देखिए, ये भी ब्रास बर्नर है, ये भी ब्रास बर्नर है, बट ये जो है ये 90% ब्रास है, ये 40% ब्रास है। ओके अभी ये केसेस में क्या होता है, ये जो होल्स होते हैं ना, ये डाउन द लाइन मर्ज हो जाते हैं। तो एक डेढ़ साल के बाद है ना, एक डेढ़ साल के बाद आपको बर्नर चेंज ही करना है, या तो फ्लेम ज़्यादा आएगी, बर्तन काले होते हैं, वो चीज़ आपको इसमें कभी नहीं आएगी। इसीलिए कंपनी इसकी 5 ईयर वारंटी देती है, इसकी 1 ईयर वारंटी। ये वाला सीन मेरे साथ हुआ है गाइस, तो मैं जरूर बोलूंगी अच्छे वाला ऑप्शन आप जरूर चूज करिएगा। प्रिफर्ड हम वही करेंगे कि आप ब्रास बर्नर ही ले, थोड़ा सा कॉस्टली जाता है बट लाइफ भी ज्यादा अच्छी रहती है उसकी। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा इन हाउस जो प्रोडक्शन है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं वन ऑफ द स्लिमेस्ट पीस है जो हम लोग ने लॉन्च किया है ज्योति का। Okay. और प्राउडली हम बोल सकते हैं कि ज्योति फर्स्ट ब्रांड है जो ग्लास टॉप लेके आया था इंडिया में। wow. अभी इसकी आप सेकंड चीज देखोगे ना मैडम, कि ये जो ग्लास दिख रहा है आपको, आपने जितने भी ग्लास टॉप देखे ना, सबका ग्लास बाहर आया हुआ था, इसका ग्लास देखिए पूरा कंसील किया हुआ है अंदर। मतलब एक्चुअली मैम, ग्लास फूटने के चांसेस क्या होते हैं, कॉर्नर में जब भी कुछ लगता है ना तो ये फूटता है ग्लास। ऐसे इसके ऊपर अगर कितना भी वेट गिर जाएगा ना तो ग्लास कभी भी फूटेगा नहीं। अच्छा। इसमें भी सेम जो मैंने बताया ना वही बर्नर्स हम लोग ने यूज किए हैं, और इसकी पैन सपोर्ट की डिजाइनिंग भी अलग दी हुई है, थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब समथिंग डिफरेंट है, आपका लुक वगैरह थोड़ा बहुत अलग आएगा। क्या रेंज में देखने मिलेगा हमें ये आपको मैडम आ जाएगा 6500 में, 6500 और ये विद 2 ईयर वारंटी आएगी, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव 2 ईयर वारंटी आएगी। वाटर प्यूरीफायर की रेंज कितने से स्टार्ट होगी? वाटर प्यूरीफायर मैडम 4000 ऑनवर्ड स्टार्ट है। अभी वाटर प्यूरीफायर में भी अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, यूवी आता है, यूवी प्लस यूएफ आता है, आरओ आता है। जैसे आपके इधर जैसा पानी आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाटर प्यूरीफायर लगेगा। अगर आप टीएमसी लिमिट्स में रह रहे हो या बीएमसी लिमिट्स में रह रहे हो तो आपको यूवी लगेगा। तो नॉर्मल यूवी की जो रेंज स्टार्ट होती है ना वो 4000 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। इसमें भी आपको सब ब्रांड्स मिलेंगे, यूरेका फोर्ब्स मिलेगा, हैवल्स मिलेगा, ब्लू स्टार है, अपना एक्वा गार्ड है, कैंट है, अल्फा है, सब ब्रांड्स मिलेगा आपको। अभी इसमें एक्चुअली अगर आपको बोरिन का पानी आता है ना तो हम लोग आरओ प्रिफर करते हैं। ओके अगर आपको बोरिन का पानी या टैंकर का पानी आ रहा है तो आरओ लेना चाहिए, वरना आरओ प्रिफर नहीं करते। आरओ में भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, आरओ है, आरओ प्लस यूवी है, आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ है, आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस टीडीएस है। तो बेसिकली आपका हम लोग टीडीएस चेक करते हैं और फिर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कौन सा वाटर प्यूरीफायर लेना चाहिए। बराबर। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, तो अभी ये यूवी है, ओके, नॉर्मल यूवी है, ये आपका 3 स्टेज वाटर प्यूरीफायर है, सेडिमेंट है, कार्बन है, आयन एक्सचेंज है, ये सब आएगा इसमें आपको। फिर ये एक्वागार्ड का अभी नया जो लॉन्च हुआ है, ये एक्टिव कॉपर मॉडल है, मतलब इसमें कॉपर की कैंडल दी हुई है। जैसे कि घर में बोलते हैं कि तांबे के मटके में पानी पीना चाहिए, तो वैसे इसमें हम लोग मतलब कंपनी ने वो तांबे की कैंडल डाल दी है, तो उसके थ्रू वो पास होता है पानी। फिर ये आपको हैवल्स का है, तो ये हैवल्स का है, इसमें यूवी प्लस यूएफ है, ये 4 स्टेज वाटर प्यूरीफायर है। ओके और जैसे कि वो आप देख सकते हो, अगर आपको स्टोरेज लेना है तो वो स्टोरेज वेरिएंट है कैंट का, 7 लीटर आपको स्टोरेज आएगा, मतलब एनी टाइम वो 7 लीटर पानी आपका स्टोर रहेगा अंदर। वाटर प्यूरीफायर का सेक्शन हो गया। अभी और प्राउड की बात है, मैं गैस गीजर पर जा रहा हूँ। Okay. प्राउड की बात क्यों है गैस गीजर, क्योंकि इंडिया में गैस गीजर लाने वाला ज्योति है। अच्छा अच्छा। तो जब भी गैस गीजर की बात आती है और ग्लास टॉप गैस स्टोव की बात आती है तो थोड़ा प्राउड मोमेंट आता है। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग वेरिएंट्स लगे हुए हैं, मतलब आपके खुद के ही ब्रांड्स है ना ये? यस मैडम, इसमें भी आपको सब ब्रांड्स मिल जाएंगे, ऐसा अच्छा। नहीं है रेकॉर्ड का मिलेगा, बजाज का मिलेगा, हैवल्स का मिलेगा, इंडो का मिलेगा, बट ये ज्योति में जो आपको रेंज मिलेगा ना 6 लीटर से लेकर 16 लीटर तक मिलेगा, जो आपको कोई ब्रांड में नहीं मिलेगा। रेकॉर्ड में एक ही आता है 6 लीटर, बजाज में भी एक ही आता है 6 लीटर। तो इसकी रेंज कितने से हमें मिलेगी? अभी जो ज्योति का जो रेंज स्टार्ट होता है वो 4000 ऑनवर्ड स्टार्ट है। 4000। अभी इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्या, अभी सब पे 6 लीटर ही लिखा हुआ है, राइट, बट आप देख सकते हो कि सबकी प्राइसिंग अलग अलग है, वो क्यों है? अभी ये नॉर्मल 6 लीटर का है, ज्योति का डीलक्स मॉडल है। अभी समझो अपने को सिर्फ नल में गर्म पानी चाहिए तो ये डीलक्स मॉडल हम प्रीफर करते हैं। ये डीलक्स मॉडल है, ये मैक्स मॉडल है। अगर आपको
शावर में चाहिए, हैंड शावर वगैरह है, तो फिर हम सिल्वर मॉडल प्रिफर करते हैं। ओके, अगर आपका थोड़ा और ये है तो फिर गोल्ड प्लस मॉडल प्रिफर करते हैं। तभी ये जो बेसिक जो मॉडल था वो 4000 का है, और ये अगर आप सिल्वर में जाते हो तो ये 5-5.5 हज़ार के लगभग जाता है। ओके, और अगर आपका थोड़ा अगर और हैवी जाता है तो ये 6 लीटर का आता है, ये 5.5 हज़ार तक जाता है गोल्ड प्लस मॉडल। अच्छा। और हमारे पास ऐसा भी वेरिएंट है जो अगर आपको दो बाथरूम में कनेक्ट करना है ना तो वो भी कर सकते हैं, ये 7 लीटर का मॉडल है। ओके। और इसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, इसका रेंज स्टार्ट होता है 7000 ऑनवर्ड्स। और ऐसे भी प्रोविजन है अगर आपको 3 बाथरूम कनेक्ट करने हैं तो हमारे पास 10 लीटर का भी गैस गीजर है, 12 लीटर का भी गैस गीजर है, सीलिंग फैन जो हर घर की बहुत जरूरत है। बराबर, इसके बिना कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा, सही बात है। फैंस के अलावा भी, फैंस में ये बेसिक रेंज है, जैसे कि नॉर्मल वाइट कलर है, ब्राउन कलर मिलेगा आपको। ओके। इसमें आपको ब्रांड्स मिलेगा क्रॉम्पटन, बजाज, हैवेल्स, ये तीनों ब्रांड के मिल जाएंगे, ओरिएंट है। इसकी जो प्राइस रेंज जो स्टार्ट होती है ना नॉर्मल फैंस की, वो 1100 ऑनवर्ड स्टार्ट है। ओके। जैसा आप लेते हो, सिंपल फैन में आपका समझो ना अच्छा लिया तो 1600-1700 तक जाता है। ओके। और ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये वॉल फैन है, वॉल फैन जो वॉल्स पे लगते हैं, ऑफिसेज में वगैरह ज्यादा लगते हैं। इसमें आपको वॉल फैन भी है, इसमें आपको टेबल फैन भी मिलेगा अगर आपको टेबल पे रख के यूज करना है तो। अभी ये तो सिंपल फैंस हो गए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइनर रेंज ऑफ फैंस क्या होते हैं। जैसे आप देख सकते हो अभी वो उसका जो रेंज है ना वो 6000 रुपीज है। अच्छा, अभी वो इतना महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी जो ब्लेड है ना वो ABS ब्लेड है। अभी ABS ब्लेड क्या होता है, मतलब अपन जब एरोप्लेन में वगैरह जाते हैं ना तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना, राइट, विंग्स का जो मटेरियल होता है वो मटेरियल से वो ब्लेड बनाई गई है। ओके। इसीलिए वो कॉस्टली है, और नॉइज लेवल आपका एकदम कम आएगा बराबर, और विथ रिमोट आएगा। सेम चीज आपको हैवेल्स में भी आएगी। हैवेल्स वालों ने अभी और एक चीज लाई है कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट में आपको अगर लाइट चाहिए ना तो लाइट भी आएगी, अंडर लाइट बोलते हैं उसको। ओके। उसका रेंज चालू होता है 6500 ऑनवर्ड्स। वाओ, बहुत बढ़िया। अभी मैं जा रहा हूँ इस पे, एटम बर्ग पे। ओके। अभी ये जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड अभी आया है लास्ट 3 इयर्स से। ये ब्रांड डेवलप करने वाले 3 IITians है। अच्छा अच्छा। अभी ये फैंस की खासियत ये है कि ये कोई भी फैन जो आता है ना, इसका पावर कंजम्पशन 28 वाट्स से 32 वाट्स है। अपना नॉर्मल जो फैन कंज्यूम करता है वो 84 वाट्स कंज्यूम करता है। अच्छा। अभी इसमें आपको ये बेसिक रेंज है, वाइट और आइवरी सादे, फिर ये स्टूडियो सीरीज है। Okay. और ये है रेनिसा प्लस सीरीज। अभी रेनिसा प्लस सीरीज जो है ना, इसमें आपको नीचे लाइट आएगी। नीचे लाइट मतलब ये इतनी बड़ी लाइट नहीं है, ये मिडनाइट लाइट टाइप बोल सकते हैं, और ये विथ रिमोट आएगा। अच्छा। और इसमें आपको एक वुडन कलर भी आता है, वो भी इसका काफी अच्छा है। इसका जो रेंज है ना वो 3500 ऑनवर्ड्स है। Okay. और इसका जो बेसिक जो रेंज है वो 2500 ऑनवर्ड्स है। 2500। और भी अगर आपको कोई भी ब्रांड का चाहिए ना तो सब फैंस हम लोग अवेलेबल करके देते हैं आपको, जैसी आपकी डिमांड होगी। मैंने आपको ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्ट्स बता दिए है मेरे शॉप के। Okay. ये तो शॉप ऊपर की शॉप थी, अभी तो पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी तो हम मूव ऑन कर रहे हैं बेसमेंट में, जहाँ पर आपको जो किचन में जो नेसेसिटी है, बराबर, मिक्सर, जूसर, टोस्टर, जो भी चाहिए वो सब मिलेंगे। कम ऑन, आइए नीचे बेसमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्चर तो अभी बाकी थी, ऊपर मैंने आपको सब बड़े बड़े अप्लायंसेस बता दिए। अभी आप मेरे राइट एंड लेफ्ट में आप देख सकते हो कि सब किचन की जो नेसेसिटी है, मिक्सर, जूसर, टोस्टर, आयरन सब लगे हुए हैं डिस्प्ले में, फूड प्रोसेसर, अगर आपको टावर फैंस, सब चीज़ें मिलेगी आपको मेरे पास। टावर फैंस है, बॉश का मिक्सर है 1000 वॉट्स का, हर एक चीज़ मिलेगी। मैं आपको हर एक चीज़ अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रोडक्ट रेंज, आ जाइए। स्टार्ट करेंगे हम इंडक्शन से। ओके। अभी इंडक्शन क्या है, बेसिकली लोगों के घर में गैस स्टोव तो होता ही है, बराबर, बट अगर अपन किधर ट्रैवल कर रहे हैं या थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो रहे हैं और गैस स्टोव अपने पास नहीं है तो अपन ट्रैवलिंग के दौरान ज्यादा करके यूज करते हैं। यस मैडम। अभी इसमें सब ब्रांड्स मिलेंगे, प्रेस्टीज है, हैवेल्स है, शेफ्रो है, पिजन है, हिंदवेयर है, बहुत सारे ब्रांड्स है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी ये जो प्रेस्टीज का इंडक्शन है ना,
ये बेसिकली पूरा टच स्क्रीन इंडक्शन है बराबर। और ये जो ऊपर का जो पैनल है वो पूरा ग्लास पैनल है। ओके। इसमें आपको चाइल्ड लॉक भी आएगा और टाइमर भी दिया है, मतलब आप टाइम सेट कर सकते हो। ओके। इसमें आपको क्या बनाना है वो सब दिया हुआ है, डोसा बनाना है तो आप सेट कर सकते हो, डीप फ्राई करना है, प्रेशर कुकर है, हीट मिल्क है, जो भी करना है आप सब कर सकते हो। तो इसमें हमें और भी मॉडल्स देखने मिलेंगे, बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं आपको सब बता रहा हूँ। अभी ये मैंने आपको टच स्क्रीन वाला बताया, इसका प्राइसिंग रेंज 2500 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। अभी ये जो चीज है ये पुश बटन है, ये पुश बटन है, और ये जो प्लेट है ये ग्लास नहीं है, ये सिरामिक की प्लेट है। तो ये इसका थोड़ा रेंज कम है, ये 1800 में आएगा। अभी इसमें अलग अलग पावर्स के आते हैं, 1200 वॉट से लेकर 3000 वॉट तक आते हैं। मतलब आपको क्या चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, आपका नॉर्मल यूज करना है, क्या यूज करना है। भी ये हैवल्स का है, ये देखो ये शेफ्रो का है, ये पूरा ग्लास पैनल है, ये भी टच स्क्रीन इंडक्शन है। अभी इंडक्शन हो गया, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ आयरन। आयरन, अभी आयरन में अलग अलग वेराइटीज आती है, ड्राई आयरन आती है, स्टीम आयरन आती है, हैवी वेट आयरन आती है। तो अभी मैं आपको रेंज आयन की स्टार्ट होती है 300 से स्टार्ट होती है। मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ, बेसिक आयन बता रहा हूँ, ये ड्राई आयन है। ये ड्राई आयन और लाइट वेट आयन भी बोलते हैं, आप उसको उठाएंगे ना हाथ में तो वजन भी कम है। ये आपको आ जाएगी 450 रुपीज की, 450 बहुत बढ़िया है। इसमें बॉश है, फिलिप्स है, बजाज है, हैवल्स है, सब ब्रांड मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट वो हैवी वेट आयन का है। Right, तो अपने डेनिम्स वगैरह होते हैं ना, डेनिम्स वगैरह के लिए बहुत यूजफुल चीज है। इसका रेंज स्टार्ट होता है 700 ऑनवर्ड्स। इसमें आपको फिलिप्स मिलेगा, बजाज मिलेगा, शेफ्रो मिलेगा, हैवल्स मिलेगा, सब ब्रांड्स मिलेंगे मेरे पास। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो स्टीम आयन का आता है। स्टीम आयन मतलब अपन जब भी पानी वगैरह छिड़कते हैं ना पानी पे, तो ये प्रेस करने का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप पानी भर सकते हैं, स्टीम निकलेगा आपका यहाँ से। इसमें भी आपको अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे। इसका जो कंजम्पशन होता है वो 1500 वॉट्स होता है। ओके। और आयरन में जो नई चीज जो आज कॉन्सेप्ट आई है ना, वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये गारमेंट स्टीमर है। ओके। मतलब आप ऐसा प्रेस करते हैं, लटका दीजिए आपका हैंगर में और आप आयरन कर सकते हो। उसके बाद ये तो हैंडी हो गया। और अभी जो है ना आजकल जो स्टोर्स में आप जाओगे ना, साड़ी के स्टोर में, मॉल बिल में ज्यादा करके देखने मिलता है, तो गारमेंट स्टीमर आता है विद टैंक आता है और विद स्टैंड आता है, जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले में लगा हुआ। यही रहता है, क्या रेंज में रहता है ये, हमें क्या देखने ये गारमेंट स्टीमर आपका स्टार्ट होता है 3500 ऑनवर्ड्स। अभी ये देख सकते हो आप, ये जो है ना इसमें आपका क्लॉथ हैंग कर सकते हैं और ये आपका यहाँ से स्टीम आएगा। आपका नीचे पूरा दिया हुआ है, आपका कौन सा कपड़ा है, लिनन है, कॉटन है, वूल है, आप सेट कर सकते हो। और ये आपका टैंक है, अंदर आपका वाटर स्टोरेज है। और अभी नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ वैक्यूम क्लीनर्स। वैक्यूम क्लीनर मतलब पता है कि आजकल मतलब कोरोना था तभी अपन देख रहे थे काम वालियाँ वगैरह नहीं आ रही थी घर पे, तो अपने कोई सब क्लीनिंग वगैरह करना, तो आपको कारपेट्स वगैरह क्लीन करने हैं या आपके ग्रिल्स क्लीन करनी है, तो उसके लिए आपको वैक्यूम क्लीनर काम आता है। कौन से ब्रांड मिलेंगे इसमें आपको? इटालिया है, कैंट है, यूरेका फोर्ब्स है, ऑर्बिट है, सब ब्रांड्स मिल जाएगा। और प्राइस रेंज नॉर्मल बेसिकली इसकी जो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है वो 1500 से स्टार्ट है। Okay. और इसमें आपको 800 सक्शन से लेकर 1000 सक्शन, 1500 सक्शन, 2000 सक्शन तक मिलेंगे। Okay. अभी इसमें दो आते हैं, एक सक्शन भी आता है, एक ब्लोअर भी आता है। सक्शन मतलब आपका खींचने का काम करता है, बराबर। ब्लोअर मतलब आपका उड़ाने का काम करता है, कचरा वगैरह अगर उड़ाना है तो कौन सा मतलब काम मतलब कौन सा बेटर वे में होता है? दोनों में होता है। अभी कैसा होता है, ग्रिल्स वेल्स में कभी कभी अपने से खींचता नहीं है, तो अपन ब्लोअर से उड़ा सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका ब्लोअर है, इधर से आपका सक्शन करता है आगे से, बराबर। अभी मैं आपको छोटे छोटे जो नेसेसिटीज आजकल जो चल रहा था किचन वो बताना चाहता हूँ, किचन में जो जरूरी है वो सब। अभी ये बीटर है, बीटर, अभी इसमें क्या हुआ है पता है कि लॉकडाउन में कुछ काम था नहीं लोगों को, तो केक ही बनाते थे एक्चुअली, तो इसका इतना सेल था ना मैडम कि लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे ये चीज की, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इसमें आपको
300 वॉट्स चाहिए, 300 वॉट्स, 200 वॉट्स चाहिए, 200 वॉट्स का मिलेगा, 400 वॉट्स चाहिए, ये आपको आएगा 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज, हाँ, ओके, 1500 का है, 2000 का, मतलब अलग अलग वेराइटीज है, ये आपका केक वगैरह बनाना है, बीटिंग वगैरह, वो हिसाब से, ये आप देख सकते हैं, एक मैंने डिस्प्ले में लगाया, हाथ में लेके देख लीजिए, ये जापान का है, 400 वॉट्स का है, काफी स्टाइलिश भी है, लुक वगैरह अच्छा दिया है। सेकेंडली मैं बताना चाहूंगा आज का जो सबसे हॉट फेवरेट जो चल रहा है, वॉफल, बराबर, बच्चों को तो बोलो तो रोज वॉफल खाने को चाहिए, मेरी एक बच्ची है छोटी, उसको भी है एवरी वीक वॉफल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे खाते बड़े भी खाते हैं आज के टाइम में तो एक्चुअली ऐसा है कि रोज वॉफल खाना है तो एक वॉफल लेने जाते हैं तो अपन 200-250 रुपया खर्चा करते हैं, तो हम लेके आए वॉफल मेकर, घर पे ले लीजिए वॉफल मेकर 1000 रुपए में, और रोज बना के खाइए अगर वो खाना है तो। इसमें 2 स्लाइस है, आपको बड़ा चाहिए बड़ा भी आता है, और नोवा का आएगा, ऑर्बिट का आएगा, मफी रिचर्ड्स का आएगा, सब ब्रांड्स के मिलेगा, 1000 रुपीज ऑनवर्ड इसकी स्टार्ट है, बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज, ये अभी रोज की नेसेसिटी है, घर पे उठे नहीं तो गर्म पानी पीना है, बराबर, ये कोरोना के टाइम में तो बहुत जरूरी हो गया, रात को घर पे गए नहीं, खाना हो गया तो गर्म पानी पीना है, राइट, तो गर्म पानी फटाफट एक बार पानी डाल दिया, आपका मिनटों में गर्म पानी हो जाता है इसका, बहुत बढ़िया। ये भी क्या प्राइस में मिलेगा हमें? ये आपको हैवेल्स की है, थोड़ी कॉस्टली है, 1500 की है, बट नॉर्मल जो केटल, सिर्फ आपको पानी अगर गर्म करना है ना तो 500 ऑनवर्ड स्टार्ट होती है केटल। अभी इसमें है ना, केटल्स में प्लास्टिक की आती है और स्टील की आती है, प्लास्टिक की जो होती है उसमें सिर्फ आप पानी गर्म कर सकते हो, और स्टील की आएगी ना तो नूडल्स बनाना है, मैगी बनाना है, तो वो भी काम होता है, सही है, तो ये सब अलग अलग वेरिएंट्स है, वही बहुत बढ़िया है फिर तो, ये मुझे नहीं पता था इसमें हम लोग मैगी भी बना सकते हैं। अभी ये चीज बहुत काम की है, इसको हम ट्रैवल कुकर बोलते हैं, ओके, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं और अपन अगर ट्रेन में वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं, अगर दूध गर्म करना है, कुछ बनाना भी है, उपीट वगैरह सेक के अपन लेके जा रहे हैं, पानी डाल दो और स्टर कर दो, और ये कैसा है, काफी आप, हैंडी है, मतलब और यार ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए देखो वोल्टेज सेट करने का भी दिया हुआ है, मतलब ट्रेन में 110 वोल्ट और अपन आउट ऑफ ट्रैवल कर रहे हैं तो भी यूज होता है, सही है, बहुत इजी टू यूज। कितने रुपए का मिलेगा हमें ये? ये आपको आएगा 1300 रुपीज का आएगा, इसमें भी 3-4 ब्रांड्स आते हैं, ये आप देख सकते हो कंटेनर दिए हुए साथ में, ओके, काफी काम की चीज है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चॉपर है, मतलब कुछ भी चॉपिंग वगैरह करना है आपको, ऑनियन वगैरह वो हिसाब से है, ओके, ये है न्यूट्रीब्लेंड, जो लास्ट 2 साल से धूम मचा के रखी है इसने, संजीव कपूर का प्रोडक्ट है, आपको पता ही होगा, पता है, पता है। इसमें आपको 2 जार भी आएगा, 3 जार भी आएगा, 90% इसका जो यूज होता है ना वो एक्चुअली मिल्कशेक बनाने के लिए, पर आजकल लोग मिनी मिक्सर के तौर पे यूज करते हैं, सब बनाते हैं उसमें, ऐसा हो गया। ये है पॉपअप टोस्टर है, ब्रेड वगैरह आपको टोस्ट वगैरह करना है वो हिसाब से दिया हुआ है, ये आपका जो बॉडी है ना पूरा ABS बॉडी दिया हुआ है, मतलब आपको शॉक वगैरह नहीं लगेगा, और ऊपर ये लिड कवर दिया हुआ है, ओके, ये हैंड ब्लेंडर है, मतलब आपको छाछ वगैरह बनाना है वो हिसाब से, इसका ये बॉस का ब्रांड का इसलिए 1000 ऑनवर्ड स्टार्ट है, बाकी आप कोई नॉर्मल ब्रांड लेते हो तो 500 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है इसका भी रेंज, बढ़िया। ये हेयर ड्रायर है, बराबर, नाके आए वगैरह बाल वगैरह सुखाने, तो इसका रेंज जो है वो 650 ऑनवर्ड स्टार्ट है, 650 से, बहुत बढ़िया। और ये न्यूट्री ब्लेंड में जो बताया ना मैंने, तो एक ये शेफ्रो करके भी ब्रांड है, यूएसए का ब्रांड है, ये भी यूएसए का ब्रांड है, यस यूएसए का ब्रांड है। और जैसे अभी फैंस आपको मैंने बड़े बड़े सीलिंग फैंस तो बता दिए थे, ये एग्जॉस्ट फैंस है, इसमें क्या ज्यादा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, ये बाथरूम में और आपका किचन में लगता है, आपके साइज के ऊपर से 4 इंच 6 इंच 8 इंच, इसका प्राइस रेंज 500 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, फिर आप क्या लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ग्रिलर्स है, सब अलग अलग वेरिएंट्स है, सैंडविच है, ग्रिल है, आपको अगर पनीनी चाहिए पनीनी है, ये बड़ा ग्रिल बोलते हैं इसको, इसको देखो टेम्परेचर कंट्रोलर भी दिया हुआ है, ओके, इसमें अगर आपको और बड़ा चाहिए और बड़ा भी मिलेगा, इसमें भी सभी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मतलब सभी ब्रांड्स, मर्फी, बजाज, इटालिया, और एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, ये रिमूवेबल प्लेट्स के साथ आता है, चेंजेबल प्लेट्स, मतलब आप अगर ये सैंडविच की प्लेट निकाल के आप ग्रिल की ग्रिल प्लेट वाला भी लगा सकते हैं, और अभी ऐसा एक वेरिएंट भी आया है जिसमें आप वॉफल की प्लेट भी लगा सकते हो, मतलब जिसे 3-in-1 बोलते हैं, उसका रेंज 1500 से स्टार्ट होता है, नॉर्मल सैंडविच मेकर जो लेते हैं ना उसका रेंज 650 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है,
इसमें भी आपको सब ब्रांड मिल जाएंगे लगभग। मिक्सर्स है, मिक्सर में आपको 3000 मिलेगा, 4000 मिलेगा, 550 ऑनवर्ड स्टार्ट है, 1000 वॉट्स तक मिलेगा। ये आप देख सकते हो कि सुमित का मिक्सर है, ये 4000 का मिक्सर है, ये आपका 4000 मतलब 4000 आपका जूसर का जा रहा था। ये आपको 2800 रुपीज से स्टार्ट आएगा। इसमें आप अगर नॉर्मल अगर 550 वॉट का मिक्सर लेते हो ना तो वो आपको 1000 रुपए से स्टार्ट होता है, मतलब ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें फिलिप्स है, बजाज है, सुमित है, मफी है, जापान है, बहुत सारे ब्रांड्स है, बॉश है, सुजाता है, और अभी ये जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ ना ये सुजाता है। सुजाता डायनामिक्स और सुजाता पावरमेटिक प्लस भी, इस ये जो मिक्सर है ना 900 वॉट्स का है और ये सबसे हैवी मिक्सर है आज दिन तक का, मतलब एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट है। मतलब इसकी वारंटी कंपनी भले 2 साल दे रही है बट इसका लाइफ नहीं तो 7-8 साल है, क्योंकि हमारे घर पे लास्ट 5 ईयर से यूज़ कर रहे हैं विद जीरो कंप्लेंट है इसमें। और इसमें आपको जूसर के साथ चाहिए तो जूसर के साथ भी आएगा, ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर। ये आप देख सकते हो खाकरा मेकर है, मारवाड़ी गुजरातियों का सबसे खास प्रोडक्ट है। इसमें संघवी आएगा, पिकासो आएगा, ज्योति जापान आएगा। इसमें आपको सब मिल जाएगा। इसमें अपन कितने का रहेगा? खाकरा भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, अलग अलग आता है। ये आपका 1500 से स्टार्ट होता है मैडम, 1500 से स्टार्ट। तो गाइस ये भी चाहिए तो आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर विजिट करिएगा ज्योति किचन स्टूडियो, इसका आपको डिटेल में जो एड्रेस रहेगा पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जैसे मैंने ऑर्डर की बात की, आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी, पर उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी कमेंट और सजेशन रहेगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।